छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। ये सब कुछ तो मेरे पास नहीं है। सिर्फ 2 घंटे हुए मेरे शौहर को मरे में, बाहर निकली हूँ कि मैं ये सब चीजें अपने साथ नहीं रख पाई। डॉक्टर ने कहा है कि जब रूम में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग मिल सकते हैं। बात को खत्म करें। बदतमीज कहीं बातें कर रही थी मेरे बारे में। आने दो आज एहसन को, बताऊंगी मैं सब तुम्हारे सीक्रेट अफेयर के बारे में। खुदसर ड्रामे की आने वाली एक साथ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब शाजमा की खुदगर्जी और हठधर्मी की वजह से जिशान की माँ भी इस दुनिया से चली जाएगी और जिशान एक बार फिर से अकेला हो जाएगा। और शाजमा तो को इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं कि कोई उसके साथ रहे। अब शाजमा ने जो किया है शायद ही माफ़ी के काबिल हो, लेकिन फिर भी सबकी नज़रों में अच्छी बनी हुई है। लेकिन अब शाजमा की हकीकत खुलने में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अब शाजमा हरीम का जीना अजाब कर देगी। हरीम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी उसका दिल नहीं भरेगा, लेकिन जब शावेज़ आएगा और उसे मोहब्बत का झूठा ढोंग रचाएगा तभी उसे अक्ल आएगी, क्योंकि अब शाजमा तो इतनी खुसर हो चुकी है किसी की कोई बात नहीं सुनेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।